नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। पिछले कुछ दिनों से जहां पटना में ग्रेजुएट चाय वाली नाम की एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तो वहीं ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर हो चुकी युवती प्रियंका गुप्ता की पहल की काफी तारीफ भी हो रही है। प्रियंका गुप्ता के बाद अब एक और चाय वाली युवती की दुकान सुर्खियों में है, जिसने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA करने के बाद चाय की दुकान खोली है। पटना के ज्ञान भवन के बाहर स्टॉल लगाकर चाय बेचने वाली इस लड़की का नाम मोना पटेल है। मोना ने बताया कि BCA करने के बाद उन्हें नौकरी भी मिली। मोना को 15,000 की सैलरी ऑफर की गई थी, लेकिन उसने इतने कम वेतन में काम करने के बजाय चाय बेचना ज़्यादा अच्छा समझा, इसलिए उसने चाय की दुकान खोल ली। मोना ने अपनी दुकान के आगे आत्मनिर्भर चाय वाली लिखा है। साथ ही उसने अपने दुकान के आगे एक स्लोगन भी लिखा है जो इस प्रकार है, वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पंच लाइन में यह लिखा है कि एक कप चाय हो जाए, जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दुकान पर अलग अलग चाय के फ्लेवर का विकल्प भी रखा है, जिसमें कुल्हर चाय, स्पेशल चाय, पान चाय शामिल है, जिनकी कीमतें 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक है। बताया जा रहा है प्रियंका गुप्ता की सफलता मोना के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिसके बाद मोना ने नौकरी छोड़कर अपने माता पिता को बताए बिना पटना के गांधी मैदान के पास अपनी चाय की दुकान खोल ली। प्रियंका से प्रेरणा लेकर चाय की दुकान खोलने वाली मोना यह बताती है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से काफी प्रेरणा मिली है। मोना अपनी चाय की दुकान से आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना चाहती है। मोना ने पटना के JD विमेंस कॉलेज से 2021 में BCA किया है, आगे वह MCA करना चाहती है। BCA करने के बाद मोना को 15,000 रुपये प्रति महीने की जॉब मिली, लेकिन BCA करने के बाद इतनी कम वेतन में काम करने में उनका मन नहीं लगा। इसी दौरान उन्होंने ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता की कहानी सुनी और उसका वीडियो देखा। इसके बाद खुद भी नौकरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने का मन बना लिया। उसके बाद ही मोना ने किसी को बताए बिना कुछ पैसा इकट्ठा करके पटना के ज्ञान भवन के पास अपनी चाय की दुकान खोल ली। मोना समस्तीपुर की रहने वाली है। उनके पिता एक शिक्षक है जो कि एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। मोना ने अपनी पढ़ाई पूर्णिया में अपने नाना नानी के घर पर रहकर की है। खबरों की माने तो मोना के टी स्टॉल पर चाय पीने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग इनकी दुकान पर मिलने वाली मसाला चाय और पान चाय को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।